सो यू टॉक अबाउ द अकाउंटेबिलिटी इज अ लाइफ लाइन ऑफ डेमोक्रेसी अकाउंटिबिलिटी इज लाइफ लाइन ऑफ डेमोक्रेसी विद ट टू टाइप ऑफ अकाउंटेबिलिटी टॉप डाउन एंड बॉटम अप्रोच टॉप डाउन एंड बॉटम अप तो टॉप डाउन में आगे हमारा कैग सी 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 बी आई एंड लोकपाल तो टॉप डाउन कैसे होगा ये अकाउंटिबिलिटी थ्रू कैग सी बी सी सी बी आई एंड लोकपाल एंड बॉटम अप अकाउंटेबिलिटी होगी थ्रू आर टी आई सिटीजन चार्टर एंड सोशल ऑडिट तो आर टी आई सिटीजन चार्ट एंड सोशल ऑडिट तो वी हैव टू टाइप ऑफ अकाउंटेबिलिटी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी हॉरिजेंटल मीन्स कैपेसिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन टू चेक तो कैपेसिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन टू चेक अब्यूजेज फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट जो हमारी पार्लियामेंट है जुडिशरी है वो कैसे एग्जीक्यूटिव पे चेक रखती है तो ये हमारी होगी हॉरिजेंटल अकाउंटिबिलिटी वैन इंस्टीट्यूशन आर कीपिंग चेक ऑन द अब्यूज फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट चेक द एग्जीक्यूटिव पावर जुडिशरी चेक द आर्बिट्ररी लेजिटिव पावर एंड एग्जीक्यूटिव पावर वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी दट एज सिटीजन वर्टिकल अकाउंटबिलिटी होगी तो सिटीजन मास मीडिया सिविल सोसाइटी जो वर्टिकल अकाउंटी इज मोर रिस्पॉन्सिबल एस पीपल आर एक्टिवली इन्वॉल्व एस पीपल आर ए आई मीन्स पीपल आर एक्टिवली इन्वॉल्व देर फॉर वर्टिकल अकाउंटबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और करप्शन कैसे आता है मोनोपली व डिस्क्रिशन माइनस अकाउंटेबिलिटी इक्ल्स टू करप्शन अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी मोनोपोली होगी डिस्क्रिशन होगा अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो इट विल ब्रीड करप्शन एम डी ए एम डी ए कोल्स टू सी एम डी एक्ल्स टू सी मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशन माइनस अकाउंटेबिलिटी टू करप्शन सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है दैट इज आंसरेबल फॉर द टास्क डन अकाउंटेबिलिटी हो गया यू आर आंसरेबल टू फॉर द टास्क डन रिस्पांसिबिलिटी तो मतलब को कंप्लीटली दम्प्लीटिंग द टास्क इन हैंड जो भी आपको काम दिया है उसको कंप्लीट करना अकाउंटेबिलिटी आप डेलीगेट नहीं कर सकते अगर आपको काम दिया गया तो आप ही करोगे आप ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे सकते हो लेकिन आंसरेबल तो आप ही हो गए क्योंकि आपको काम दिया गया था अकाउंटेबिलिटी आंसरेबल फॉर द टास्क डन एंड इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड रिस्पांसिबिलिटी कंप्लीटिंग द टास्क इन हैंड एंड इट कैन बी डेलीगेटेड कितने टाइप की अकाउंटेबिलिटी होती है काफ़ी टाइप की होती है क्योंकि डी एल अकाउंटेबिलिटी मीन्स डेमोक्रेटिक लीगल अकाउंटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी फॉर एग्जाम्पल आपके जितने भी टैक्स लॉज आपकी और रिपोर्ट है एंड में वो सही से होनी चाहिए लीगल अकाउंटेबिलिटी एंड डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी मीन इज यू आर आंसरेबल टू द पीपल यू आर आंसरेबल टू द पीपल फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपना पूरा सही से देना है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो फाइनेंशियल अकाउंटिबिलिटी होगी तो डेमोक्रेटिक लीगल एंड फाइनेंशियल डी एल एफ अकाउंटेबिलिटी सो अगर हम ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी की बात करें टी ए ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी आर द बेसिक पिलर ऑफ गुड गवर्नेंस द बेसिक पिलर ऑफ गुड गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी अगर होगी तो क्या होगा करप्शन कम होगा पब्लिक ट्रस्ट बढ़ेगा पब्लिक ट्रस्ट बढ़ेगा सिटीजन एमपावरमेंट बढ़ेगा सी ई बढ़ेगा सिटीजन एम्पावेंट बढ़ेगा सो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस करप्शन इंक्रीज पब्लिक ट्रस्ट इंक्रीज द सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड सिटीजन इंपावमेंट सो वर्ट इस अकाउंटेबिलिटी इज अ लाइफ लाइन ऑफ डेमोक्रेसी अकाउंटेबिलिटी इज लाइफ लाइन ऑफ डेमोक्रेसी इज अ बेसिक पिलर ऑफ गुड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी इज बेसिक पिलर ऑफ गुड गवर्नेंस दो टाइप की अकाउंटिबिलिटी होती है टॉप डाउन बॉटम अप टॉप डाउन में होता है सी सी एल फोर्स जैसे ट्रिपल सी एल ट्रिपल सी एल दैट इज़ इसमें आ जाएंगे हमारे कैग सी बी आई सी बी सी एंड लोकपाल कैग सी बी आई सी बी सी एंड लोकपाल और सी एस आर में आ जाएंगे हमारे सिटीजन चार्टर सोशल ऑडिट एंड आर टी आई सिटीजन चार्टर बॉटम अप में हो जाएगा सिटीजन चार्टर एंड सिटीजन चार्टर सोशल ऑडिट एंड आर टी आई यहाँ पर क्या होता है पी आई होता है दैट इज दट इज़ पीपल आर ए आई मीस एक्टिवली इन्वॉल्व तो पीपल पार्टिसिपेशन होता है एंड पीपल आर एक्टिवली इन्वॉल्व एंड अकाउंटेबिलिटी इज़ अ बेसिक पिलर ऑफ गुड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी इन ट्रांसपरेंसी आर बेसिक पिलर ऑफ गुड गवर्नेंस